Hello everyone, so this is Mayuresh Sato from Geniobits. In this video, we are gonna talk about favicon. Favicon काफ़ी छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इम्पैक्ट डालती है. जैसे कि हमने देखा, अगर हम geniobits.com पे विजिट करते हैं तो हमें एक चीज नोटिस होनी चाहिए. अगर हम टॉप राइट कॉर्नर में देखते हैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर सॉरी, तो वहां पे हमें एक आइकॉन दिखता है, काफी सिंपल आइकॉन है. सिमिलरली अगर हम गूगल पे भी विजिट करते हैं तो हमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक आइकॉन दिखेगा ऑन द टाइटल बार. तो इसी तरह हम अपने वेबसाइट का भी एक आइकॉन सेट कर सकते हैं. फॉर दैट वी आर गोना क्रिएट अ न्यू फाइल. ओके, ये इमेज ओपन हो गया गलती से. लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल favicon.htm एंड लेट्स ऐड द बॉयलर प्लेट. आई रिमूव द मेटा बिकॉज वी डोंट नीड इट राइट नाउ. ओके, सो एक सिंपल वेबसाइट या सिंपल HTML फाइल हमने क्रिएट कर लिया. नाउ इट्स टाइम टू ऐड द फैव आइकॉन. फैव आइकॉन ऐड करने के लिए काफ़ी सिंपल है. आप एक लिंक ऐड करोगे एंड यहाँ पे दोगे एक रिलेशन, REL फॉर शॉर्ट, एंड रिलेशन वी वांट इज आइकॉन. सेव. एंड इसी तरह एक और एट्रीब्यूट होता है, द एट्रीब्यूट इज href. किसी को याद है href एग्जैक्टली कहाँ पे यूज़ किया था? अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने href यूज़ किया था इन एंकर टैग टू लिंक डिफरेंट वेब पेज. href में हमने एक नेक्स्ट पेज का लिंक दिया था, सो जिसने भी एंकर टैग पे क्लिक किया वो सीधा नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट होता था. दैट वाज इन एंकर टैग. बट इन दिस वन href में हम हमारे जो भी इमेज है उसका पाथ देने वाले हैं. सो ये टैग मैंने कंप्लीट कर दिया. नाउ इट्स टाइम हम हमारे वेबसाइट के लिए एक फैव आइकॉन भी चूज़ करें. तो उसके लिए मैंने geniobits.com से एक फैव आइकॉन पहले से ही डाउनलोड कर लिया था. द एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट टॉप, ये आइकॉन मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है. सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना ओपन दिस डाउनलोड डायरेक्टरी. आई एम गोना कॉपी दिस फैव आइकॉन. मैं डाउनलोड्स में विजिट करता हूँ. कोर्स इज HTML एंड आई एम गोना पेस्ट दिस आइकॉन, फैव आइकॉन. ठीक है, अगर मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक फैव आइकॉन डॉट png फाइल मिल गया होगा. नाउ माई ओनली टास्क इज टू लिंक दिस फाइल विथ माई HTML पेज. सो href के अंदर मैं फाइल का पाथ ऐड कर देता हूँ, दैट इज favicon.png. दिस इज द पाथ. लेट्स सेव एंड नाउ लेट्स कॉपी दिस HTML फाइल पाथ एंड लेट्स ओपन दिस इन अवर क्रोम ब्राउजर. ओके, सो एज यू कैन सी ऑन द टॉप, हमारा जो भी HTML फाइल था उसको एक फैव आइकॉन मिल चुका है. दैट इज़ वी गॉट अ लोगो, वी गॉट अ आइकॉन एंड इट वॉज रियली सिंपल. जस्ट हमने एक लाइन ऐड किया, हमने हमारी इमेज का पाथ दिया एंड वी आर सीइंग द रिजल्ट हियर. सो इट वॉज रियली इजी. नाउ दिस वन क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड, जब हम फाइव आइकॉन सेट नहीं कर रहे थे सो वॉट एग्जैक्टली आइकॉन वी वर सीइंग, किसी को याद है? सो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो वहाँ पे एक अर्थ का सिंबल दिखता था. एंड टू शो दैट आई विल जस्ट ओपन एनी रैंडम फाइल जस्ट लाइक द इमेज टैग, कॉपी पाथ, ओपन क्रोम एंड यस, एक अर्थ का सिंबल दिखता था एंड दैट्स हाउ एक डिफॉल्ट फाइव आइकॉन वर्क करता है. दिस इज प्रेजेंटेड बाय आवर ब्राउजर और आवर HTML बाय डिफॉल्ट. अगर हम कोई फैव आइकॉन सेट नहीं करते, इट्स अ गुड आइडिया टू सेट फैव आइकॉन बिकॉज इट गिव्स वैल्यू टू योर ब्रांड और योर कंपनी. या इवन आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो उसे भी थोड़ा वैल्यू और ऐड हो जाता है बाय दिस फैव आइकॉन. सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. आज हमने फैव आइकॉन के बारे में जाना एंड प्लीज़ आप इसे ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो एंड इसी तरह हम हमारा नॉलेज इन वीडियोज़ के थ्रू बढ़ाते रहेंगे. सो लेट्स कीप मीटिंग इन सच न्यू वीडियोज़. Thank you. See you in the next one. Bye-bye. And before going, keep practicing. Thank you.